हे एवरी वन, वेलकम बैक टू माई चैनल त्रिशाज वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो मॉर्निंग का क्या टाइम हुआ है, आप गैस कर सकते हैं क्या? तो मॉर्निंग का टाइमिंग हुआ है सुबह के 3:30 बजे और हम नहा धो लिए हैं भाई, फंक्शन के लिए जल्दी जल्दी हो रहे हैं तैयार, क्योंकि हमारा टारगेट है कि हमें 4:30 पे लास्ट है हमारा 5:00, तो 4:30 बजे तक हमें रेडी होना है, तो 5 बजे तक हमें घर से निकल जाना है। तो हमें जाना है चंडीगढ़ फंक्शन में और मॉर्निंग का ही फंक्शन है, तो जाने के बाद तैयार होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा, और स्पेशली लेडीज़ को तो काफ़ी सारा टाइम चाहिए तैयार होने के लिए। तो चलिए बस अभी मैं हो रही हूँ रेडी, अभी सब सो रहे हैं और मैंने बस अपने ड्रेसिंग वाली लाइट मैंने ऑन की है ताकि वो लोग डिस्टर्ब ना हो सके। तो बस अभी मैंने अपना बेस रेडी कर लिया है, अच्छी सी लगा ली है मैंने लिप बाम, क्योंकि हल्के से होटल ना अभी ये मौसम चेंज हुआ है तो वेदर चेंज होने के बाद ना थोड़ी सी ड्राइनेस आ जाती है हमारे लिप्स पर। तो लिप बाम मैंने पहले ही अप्लाई कर ली है, बेस मेरा रेडी हो गया है। मेरी ढेर सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए अपनी फैमिली फ्रेंड्स में, और कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लग रही हैं, क्योंकि आपकी शेयरिंग और लाइक से हमें मोटिवेशन मिलेगा आगे बढ़ने के लिए और आपके लिए न्यू एफर्ट्स करने के लिए, न्यू वीडियोज़ लेके आने के लिए। तो अभी मैं आई शेडो लगा रही हूँ और थोड़ा सा जो मेरी साड़ी का कलर है लेवेंडर कलर का, मैंने पहली बार ये वाला कलर डाला और सच में मुझे इतना प्यारा कलर लगा, और मुझे साड़ी पता नहीं आप लोगों को कैसी लगी होगी, लेकिन मुझे ये साड़ी भाई इतनी सुंदर लगी, और कलर भी इसका यूनिक कलर था। और आपको पता है कि जब मैं साड़ी के लिए ना पेटीकोट लेने गई तो मुझे ये कलर कहीं पर भी अवेलेबल नहीं हुआ, और क्योंकि बिल्कुल यूनिक कलर है, तो शॉपकीपर भी ये बोलने लगे कि बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा कलर है, बिल्कुल यूनिक कलर है, बहुत कम मिलता है ये वाला कलर, तो लेवेंडर कलर में है। तो इसका मैंने फिर पेटीकोट भी अपना ना मैंने डाई कराने के लिए दिया, तो और काफ़ी सुंदर सी मुझे लगी बिल्कुल इतनी। और सबसे अच्छी बात मुझे इसकी रही कि बिल्कुल लाइट वेटेड है, क्योंकि ना जिन लोगों को साड़ी डालनी नहीं आती ना, जो कैरी नहीं कर सकते ज़्यादा, या जिनको अनरैपिंग करनी अच्छे से नहीं आती, उनको के लिए काफ़ी एक अच्छी चॉइस होने वाली है। तो मैंने ये विद इन 10 मिनट्स में मैंने साड़ी वेयर कर ली थी, और वैसे मुझे घंटों लग जाते साड़ी पहनने में, और जिसमें कि ये रेडी टू वेयर वाली साड़ी भी नहीं है, तो अच्छे से इसकी प्लेट्स भी रेडी हो गई, पल्लू भी मेरा रेडी हो गया, सुंदर सा था इसका ब्लाउज जैसे कि आप देख सकते हैं, पता नहीं आपको वीडियो में कैसी लग रही होगी लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी। तो बस अभी भाई हेयर स्टाइल मुझे बिल्कुल बनाना नहीं आता, तो थोड़ा सा बस अभी कर लेंगे जैसे भी बनेगा, और हेयर स्टाइल बनाने के बाद फिर हम अपनी लिपस्टिक वगैरह लगाएंगे। यार इन्होंने भी कह रहे कहाँ जा रहा है? आप न्यू ड्रेस का है? न्यू ड्रेस, न्यू ड्रेस सुना बेबी को। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, पापा तो कर चुकी चुप बेबी। किस तरीके से, किस तरीके से पूछूं आप लोगों के, तो फिर भी आगे चलती और कुछ भी नहीं आए ना कर रहे ना।
ट्रीट होगी ना। वही तो। कर दे भाई इस तरीके से। नहीं बस ठीक है तो लिया। ठीक है डीजे ठीक है।
फोकस है ना सख्त मैडम नहीं स्कूल में उल्टे फिर खड़े हो गए चाची आप इस साइड आओ फोटो को नहीं आंदा आपको सही डकते है चाची का भी नहीं आया चाचा ने डक दी है आप है कि डक दिया नहीं चाची को नहीं आई भी नहीं इधर देखो स्माइल प्लीज गेल गेल फोटो कर दे या तारा फोटो मेरे तो दिया है ना ही बे मेरे लिए भी लेके आओ अच्छा
Thank you.